नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार कोरोना अपडेट, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में अब प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा जांच होने लगी है। जी हाँ, जो पिछले 24 घंटे में बिहार में जांच की संख्या है वो है 1,04,452। इसके साथ ही बिहार में पिछले 24 घंटे में जो नए संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं उनकी संख्या है 3,906। इसके साथ ही इन नए संक्रमित मरीजों के साथ ही बिहार में कुल आंकड़ा अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पहुंच चुका है 94,974 पर। इन 94,974 मरीजों में से 62,507 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव केस की बात करें पूरे बिहार में तो 31,467 मरीज कोरोना के अभी एक्टिव हैं पूरे बिहार में। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा रिकवरी रेट की तो बिहार का जो रिकवरी रेट है वो 66.17% का है। वहीं अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें पिछले 24 घंटे में तो 2,439 मरीज अब ठीक होकर पिछले 24 घंटे में घर गए हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि किस जिले में कोरोना के कुल मामले कितने हैं, एक्टिव केस कितने हैं और कितने लोगों ने वहां पर कोरोना से अब तक जान गंवा दी है। अररिया टोटल केस 1,549, डिस्चार्ज 756, एक्टिव केस 784। अरवल टोटल पॉजिटिव केस 946, डिस्चार्ज 621, एक्टिव केस 321। औरंगाबाद टोटल पॉजिटिव केस 1656, डिस्चार्ज 1140, एक्टिव केस 510। बांका टोटल पॉजिटिव केस 1223, डिस्चार्ज 761, एक्टिव केस 458। बेगूसराय टोटल पॉजिटिव केस 3670, डिस्चार्ज 2079, एक्टिव केस 1578। भागलपुर पॉजिटिव केस टोटल 3855, डिस्चार्ज 2895, एक्टिव केस 920। भोजपुर टोटल पॉजिटिव केस 3631, डिस्चार्ज 1778, एक्टिव केस 835। बक्सर पॉजिटिव केस 2245, डिस्चार्ज 1314, एक्टिव केस 927। दरभंगा पॉजिटिव केस 1519, डिस्चार्ज 1004, एक्टिव केस 504। गया पॉजिटिव केस 3423, डिस्चार्ज 2424, एक्टिव केस 968। गोपालगंज पॉजिटिव केसेस 1786, डिस्चार्ज 1129, एक्टिव केस 656। जमुई पॉजिटिव केस 1231, डिस्चार्ज 938, एक्टिव केस 288। जहानाबाद पॉजिटिव केस 1612, डिस्चार्ज 1015, एक्टिव केस 590। कैमूर पॉजिटिव केस 917, डिस्चार्ज 618, एक्टिव केस 291। कटिहार पॉजिटिव केस 3112, डिस्चार्ज 1433, एक्टिव केस 1675। खगड़िया डिस्चार्ज 1371, पॉजिटिव केस 1797 और एक्टिव केस 420। वहीं अगर बात करें किशनगंज की तो 1273 टोटल पॉजिटिव केस, 836 डिस्चार्ज, 432 एक्टिव केस। लखीसराय 1199 पॉजिटिव केस, 878 डिस्चार्ज, 317 एक्टिव केस। मधेपुरा पॉजिटिव केस 1276, डिस्चार्ज 810, 462 एक्टिव केस। मधुबनी 2401 टोटल केस, डिस्चार्ज 1374, एक्टिव केस 1023। मुंगेर टोटल पॉजिटिव केस 1821, डिस्चार्ज 1186, तो एक्टिव केस 612। मुजफ्फरपुर टोटल पॉजिटिव केस 3848, डिस्चार्ज 2716, एक्टिव केस 1113। नालंदा पॉजिटिव केस 3495, डिस्चार्ज 2496, 977 एक्टिव केस। नवादा 1785 पॉजिटिव केस, 1433 डिस्चार्ज, 341 एक्टिव केस। पश्चिम चंपारण टोटल पॉजिटिव केस 2434, डिस्चार्ज 1589, एक्टिव केस 834। पटना टोटल पॉजिटिव केस 15,381, डिस्चार्ज 11,616, जान गंवाने वालों की संख्या 91, एक्टिव केस 3674। पूर्वी चंपारण टोटल पॉजिटिव केस 3063, डिस्चार्ज 1550, जान गंवाने वालों की संख्या 17, एक्टिव केस 1496। पूर्णिया पॉजिटिव केसेस 2371, डिस्चार्ज 1655, एक्टिव केस 712। रोहतास पॉजिटिव केसेस 3429, डिस्चार्ज 2425, एक्टिव केसेस 978। सहरसा पॉजिटिव केसेस 1887, डिस्चार्ज 952, 934 एक्टिव केसेस। समस्तीपुर पॉजिटिव केसेस 2516, डिस्चार्ज 1509, एक्टिव केसेस 992। सारण पॉजिटिव केसेस 2966, डिस्चार्ज 1879, एक्टिव केसेस 1073। शेखपुरा पॉजिटिव केसेस 1275, डिस्चार्ज 684, एक्टिव केसेस 589। शिवहर डिस्चार्ज 345,
टोटल पॉजिटिव केसेस 509, एक्टिव केसेस 163, सीतामढ़ी पॉजिटिव केसेस 1503, डिस्चार्ज 804, एक्टिव केसेस 694, सिवान 2344 पॉजिटिव केसेस, 1722 डिस्चार्ज, 612 एक्टिव केसेस, सुपौल पॉजिटिव केसेस 1713, डिस्चार्ज 1106, एक्टिव केसेस 601, वैशाली 2798 पॉजिटिव केसेस, 1666 डिस्चार्ज, 1113 एक्टिव केसेस। इस तरह पूरे बिहार में 94,459 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 62,507 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 484 संक्रमितों ने जान गंवाई है, जबकि 31,467 मरीज अभी भी कोरोना के एक्टिव हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की भी बात करें तो 15 ऐसे जिले हैं पटना के साथ जहां 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि मामला अभी बिहार में संक्रमित मरीजों के मिलने का लगातार बढ़ते ही गया है, और जांच की रफ्तार भी बढ़ी है, तो मामले में भी रफ्तार बढ़नी लाजिम बात है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से संक्रमण का यह जो दर है वो घटता है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट की बात करें बिहार का तो पहले की तुलना में यह गिरा है, क्योंकि जाँच की रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है। 1 लाख से ज़्यादा अब बिहार में जाँच होने लगी है। अच्छी बात है कि बिहार में जाँच की रफ्तार बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बिहार में जांच बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से अभी भी जांच देखा जाए तो वो जनसंख्या के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन जहां जांच पहले 5,000-10,000 हो रहे थे, वहां अब जांच की रफ्तार अब 1,04,000 को पार कर चुकी है। ये एक अच्छी खबर है। फिलहाल बिहार में कोरोना का संक्रमण अभी बना हुआ है, गति पर ब्रेक फिलहाल उतनी नहीं लगी है जितनी कि लगनी चाहिए, और इसलिए आपसे कहा जा सकता है कि जो भी कोरोना से जुड़ी सुरक्षा के मानक हैं उसका पालन जरूर करें, खुद सुरक्षित रहें और बिहार को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।